नमस्कार। सिविया मेडिकल सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से मरीज पूछते हैं कि सिविया मेडिकल सेंटर कहाँ पे है, हम वहां कैसे पहुंचे, सिविया मेडिकल सेंटर में क्या क्या होता है, हम सिविया मेडिकल सेंटर में आएंगे तो क्या किया जाएगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर दूं। सिविया मेडिकल सेंटर लुधियाना में स्थित है। लुधियाना नॉर्थ इंडिया के पंजाब स्टेट में है। सिविया मेडिकल सेंटर में पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय मरीज जो हैं वो बाय एयर आ सकते हैं। नजदीकी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं दिल्ली में, अमृतसर में और चंडीगढ़ में। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन तीन जगह के अलावा लुधियाना में भी एक एयरस्ट्रिप है। लुधियाना रेलवे से, ट्रेन से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है और दिल्ली से बहुत सी ट्रेन्स आप ले सकते हो, जैसे शताब्दी और राजधानी। दिल्ली से लुधियाना आने के लिए बाय ट्रेन 4.5-5 घंटे लगते हैं। बाय रोड चंडीगढ़ से 1.5 घंटा लगता है, दिल्ली से कोई 6 घंटे लग जाते हैं और अमृतसर से 2-2.5 घंटे लगते हैं। जब आप लुधियाना पहुंचे तो सिविल लाइन में एक फुहारे वाला चौक है, वहां आइए। उसके पास सिमेट्री रोड पे एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के बाद जब आप दाहिने टर्न करते हो तो बाईं तरफ सिविया मेडिकल सेंटर आपको नजर आ जाएगा। सिविया मेडिकल सेंटर के बाहर पार्किंग स्पेस है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो आप अपनी कार वहां पार्क कर सकते हो। जब आप सिविया मेडिकल सेंटर एंटर करोगे तो वहां आपका स्वागत किया जाएगा। रिसेप्शन पे आपकी फाइल बनेगी और आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, हाइट, वेट और जो तकलीफ है वन शॉट नोट किया जाएगा। ये नोट होने के बाद आपको मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह से भिया, डॉक्टर हरप्रीत कौर से भिया, डॉक्टर कीरत कौर से भिया या डॉक्टर इलमजोत सिंह से भिया मिलेंगे। वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपकी जांच करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपके अगर कोई टेस्ट करने वाले हैं जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, सीसीजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो वो प्लान किए जाएंगे। इन टेस्टों के बाद आपकी मुलाकात फिर से डॉक्टर के साथ होगी और आपको समझाया जाएगा कि आपकी क्या बीमारी है, उसके क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। जब पहली बार आए तो सलाह दी जाती है कि आप बिना चाय पिए, बिना नाश्ता किए और बिना दवाई लिए आए, पानी पी सकते हो और जो भी आपके पुराने टेस्ट हैं और जो मेडिसिन ले रहे हो वो सब साथ में लेके आइए। मेडिकल सेंटर 9 बजे खुल जाता है, पहले अपॉइंटमेंट लेना अच्छा रहता है। सिविया मेडिकल सेंटर में बहुत से इलाज किए जाते हैं, जैसे हार्ट के लिए पहले हम एक टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी, वो करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी बाहर से ही हो जाता है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई अंदर तार वगैरह नहीं डालनी और कोई 20 मिनट के करीब इस टेस्ट को लगते हैं। इस टेस्ट से हमें पता चल जाता है हार्ट के कौन से एरिया को कितना ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे जा रही है, आर्टरीज कितनी हार्ड हो गई है, ब्लड क्लॉट होने का क्या चांस है, हार्ट पे कितना लोड है और ये लोड जो है किस तरह का है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैसे है, वाल्व का क्या स्टेटस है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ इससे पता चलता है। सब टेस्टों के बाद प्लान किया जाता है कि मरीज के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। सिविया मेडिकल सेंटर में आर्टरी क्लीयरेंस थेरेपी, क्लेशन थेरेपी की जाती है, ओजोन थेरेपी की जाती है, ईसीपी और ईएसएमआर हार्ट के लिए किए जाते हैं। यह सब ट्रीटमेंट्स बिना सर्जरी के नॉन इन्वेसिव है। सब ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, या एट हायर रिस्क हो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, या जिनको बाईपास या स्टेंट एडवाइस किया गया और करवाना नहीं चाहते, या उसके अनफिट हैं, या जो बाईपास या स्टेंट डलवा चुके हैं और फिर भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा सिविया मेडिकल सेंटर में किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट होता है, गुर्दे की पथरी का। बिना सर्जरी रेज के साथ पथरी को चूरा किया जाता है ताकि वो पेशाब के जरिए निकल सके। हमारे यहाँ साइटोट्रॉन मशीन है। साइटोट्रॉन मशीन जो है वो रीजेनरेटिव और डीजेनरेटिव टिश्यू इंजीनियरिंग के काम आती है। घुटनों का दर्द जो है, आर्थराइटिस जो है, जहां जिसमें घुटनों का आर्थराइटिस
जो है ये उसके लिए बहुत कामयाब है और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें भी ये मदद करती है। डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन थेरेपी भी की जाती है। एस्थेटिक लेजर में हमारे यहाँ रिरोना लेजर मशीन है जिसके साथ मोटापे में इंच लॉस किया जाता है। एस्थेटिक आईपीएल लेजर के साथ अनचाहे बाल, चेहरे के ऊपर रिंकल्स और स्पॉट्स रिमूव किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आप नीचे पढ़ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए घंटी बजाएं। धन्यवाद।